नमस्कार दोस्तों, नए साल पर जियो का बड़ा तोहफा। 1 जनवरी से सभी नेटवर्क पर होगी फ्री कॉलिंग। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश में 1 जनवरी से डोमेस्टिक वॉयस कॉल पर इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्ज बंद कर देगा। इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्ज 2 अलग नेटवर्क के बीच आउटगोइंग कॉल के लिए किया जाने वाला चार्ज होता था। रिलायंस जियो ने गुरुवार को ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2021 से सभी नेटवर्क डोमेस्टिक वॉयस कॉलिंग की सुविधा को एक बार फिर मुफ्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें, 1 साल पहले टेलीकॉम कंपनी अन्य मोबाइल नेटवर्क प्रति 6 मिनट लागू करती थी। अब यदि आईयूसी चार्ज को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये है कि यदि जियो नेटवर्क से आप अदर नेटवर्क पर वोडाफोन आइडिया या एयरटेल पे कॉल करते हैं तो प्रति मिनट 6 पैसे का आपको चार्ज लगेगा। जियो टू जियो तो फ्री है, लेकिन आप जैसे ही आइडिया पे फ़ोन करते हैं, 10 मिनट तक बात करते हैं जियो से, तो आपको 60 पैसे एक्स्ट्रा लग जाएगा। मतलब आपको जैसे 399 रुपये का रिचार्ज 56 दिन के लिए डलवा, लेकिन उसको एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन 1 जनवरी 2021 से ये चार्ज हटा दिया गया है। ये चार्ज की शुरुआत अक्टूबर 2019 से हुई थी और आज 1 जनवरी 2021 हो रहा है। आज देख लेते हैं कि जियो के प्लान वही है या रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो हम देखते हैं, 1.5 GB पर डे वाला पैक देख लेते हैं। 399 छप्पन दिन पहले भी था, अभी भी है, लेकिन आपको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप वॉइस कॉल फ्री है। मतलब आप एयरटेल और आइडिया वोडाफोन से आपको रिचार्ज के दाम कम पड़ जाएंगे। यदि आप 555 का 84 दिन वाला डलवाते हैं तो आपको 1.5 GB पर डे के हिसाब से मिलेगा और वॉइस कॉल अनलिमिटेड 300 SMS पर डे। यानी एयरटेल अब महंगा हो गया है, एयरटेल वोडाफोन आइडिया महंगा हो गया है, क्योंकि उनका वो यही वाला रिचार्ज 598-599 रुपये का है। जियो का रिचार्ज अब सस्ता हो गया है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।